फैमिली ने बिल्कुल मना किया कि लड़कियों के लिए ये सेफ नहीं है। मतलब सेक्टर नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आप डॉक्टर बनो या कुछ और करो, आईएएस आईपीएस ट्राई करो, बट एक एक्टर मत बनो। एक घर में रउआ लोगन के औकात मालिक के पीछे दुम हिलावे वाला कुकुर के बा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल आपके लिए लाया है कि ऐसी आर्टिस्ट को जो पहले बनना चाहती थी डॉक्टर, एक्टिंग में हालांकि काम कर रही थी लेकिन मेन इच्छा थी डॉक्टर, ये डॉक्टर कैसे बन गए एक्टर यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो प्रिया, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, तो ये डॉक्टर एक्टर कैसे बन गया? सर बस एक्टर बनने की ख्वाहिश थी और बस बचपन से था कि जो नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है और एक्टर भी बनना है, दोनों बनना है, बिकॉज एक्टर मेरे को बनना है और डॉक्टर मेरे मॉम डैड को चाहिए था, तो इस वजह से। बट सडनली कुछ चीज़ें हुई कि मेरा सिलेक्शन हुआ BDS के लिए, जबकि मुझे चाहिए था MBBS। ओके, तो वो चीज़ें जब नहीं हो पाई तो फिर मैंने कहा कि इस लाइन को छोड़ते हैं, फिर जो मेरा वाला मेन एम है मैं उसको ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं एक्टिंग में बस मैंने स्टार्टअप किया ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद। ओके, तो डॉक्टर तो वैसे भी लोगों को हील करता है, कम लोगों को हील कर पाता है, लेकिन एक्टर अपने एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा लोगों को हील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपने ये तो सोच लिया कि एक्टर बनना है। दुनिया की नजर में, पेरेंट्स की नजर में ये होता है कि डॉक्टर एक बहुत ही सेफ प्रोफेशन है, अनसर्टेनिटी नहीं है, रिस्पेक्ट भी है, है ना? तो जब आपने एक्टर बनने की ठानी और लोगों को बताया तो क्या रिएक्शन था? पहले तो फैमिली ने बिल्कुल मना किया कि लड़कियों के लिए ये सेफ मतलब सेक्टर नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आप डॉक्टर बनो या कुछ और करो, आईएएस आईपीएस ट्राई करो, बट एक एक्टर मत बनो। तो मैंने बोला कि एक्टिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ बातें हैं जो बोली जाती है कि नहीं, इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। और मेनली क्या है कि हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, तो फैमिली वाले ये बोलते हैं कि ब्राह्मण परिवार की लड़कियां इस इंडस्ट्री में जाएं तो कल को शादी वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी। तो इन इन चीज़ों की वजह से पहले फैमिली ने मना किया, फिर फैमिली ने सोचा कि जब हमारे बच्चे का मतलब पूरा फोकस उधर ही है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर फैमिली सपोर्ट करती है तभी बच्चा किसी भी सेक्टर में अच्छा कर सकता है। राइट, उनका सपोर्ट और कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो फैमिली फिर लास्टली उन्होंने सपोर्ट किया। कितना समय लगा मानने में और आपने क्या क्या किया मनाने के लिए? उनको मनाने में सिर्फ एक साल लगा। ओके, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से मैं उनके पीछे लगी हुई थी, नहीं मेरे को एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। फिर लास्टली जब ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे आए। इनफैक्ट मेरी मतलब जब से स्कूलिंग लाइफ थी तब से लेके हमेशा मैं फर्स्ट ही आती रही। तो फैमिली को लगा कि नई बच्ची पढ़ रही है, हमारी मतलब जो हम चाह रहे हैं हमने इतना सब कुछ किया उसके लिए, तो उसके उस पर भी अगर वो उतर रही है तो हमें भी करना चाहिए। फिर लास्टली मेरी मम्मी ने भी थोड़ा बहुत मनाया कि कोई बात नहीं, 2-3 साल का टाइम दे दो, कुछ कर लेगी, नहीं किया तो शादी कर देंगे। फिर मैंने भी बोला 3-4 साल कम से कम दे दीजिए, अगर तो नहीं आता है, क्योंकि अगर मुझे करना है तो मैं करूंगी ही करूंगी। फिलहाल तो ये लॉकडाउन की वजह से चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट हो गई, बट फिर फाइनली मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट है वो बहुत बड़ी बात है, अब पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। तो प्रिया, घर वाले तो मान गए, उनको मना लिया आपने, अब जब आप आ रहे थे या जब आ गए थे क्या थोड़े से नर्वस हुए थे, थोड़े से डरे थे कि क्या होगा लाइफ में, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, कभी कभी आता था ख्याल? हाँ सर, ये थोड़ा बहुत रहता है माइंड में, बिकॉज हम उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ हमारा दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है या कोई जान पहचान भी नहीं है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी माइंड में आती थी। घर पे तो बोल दिया 3-4 साल में हम खुद को प्रूफ कर लेंगे, बट एक डर सा तो रहता ही है सर। और स्टार्टिंग में आई थी तो थोड़े बहुत कास्टिंग वाले ये वो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ ऐसा है वैसा है, बट होता कुछ नहीं था, सिर्फ बातें। फिर लास्टली में फिर मैं एक गई थी एक ये कॉन्टिलो के प्रोडक्शन हाउस में, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था विघ्नहर्ता गणेशा सीरियल के लिए। उसमें पार्वती का एक स्वरूप है देवी दंडीनाथा का, तो वो मैंने किया। एंड उससे हाँ उससे कुछ दिन पहले मैं आई थी तो मैं दुर्गा दादा से ही मिली थी। अच्छा। सबसे पहले मिली थी मैं दुर्गा दादा से, मीन्स बॉम्बे आने के बाद फिल्म लाइन के में काम करने की वजह से। तो उनसे मिली तो उन्होंने मतलब जिस तरह से मैंने उनके बारे में सुना कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मतलब जितने भी लोग होते हैं एक नए कलाकार को भी वो सपोर्ट करते सपोर्ट हैं करते। बहुत ज़्यादा। तो मैं जब उनसे मिली थी तो उन्होंने मेरे से मतलब मेरे बारे में, मेरा फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल सब कुछ उन्होंने पूछा। मेनली उन्होंने इस बात की तारीफ की कि आप एजुकेटेड हैं और मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा
रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर उसी टाइम पे उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया था, नज़र, और बट फिर मैंने ऑडिशन दिया था सीरियल के लिए, तो मेरा सिलेक्शन सीरियल में हुआ, तो मैं उनकी फिल्म उस टाइम नहीं कर पाई थी। फिर सडनली ये सीरियल किया, सीरियल के बाद मेरी एक हिंदी फिल्म थी वो की मैंने, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन से सब बंद। फिर बॉम्बे वापस आई, तो फिर दादा की फिल्म अभी ये राखी आई, जो कि एक भाई बहन के प्यार के ऊपर है। तो वो फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है, तो वो फिल्म में मैंने काम किया है। और वो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज भी होने वाली है, और जो दुर्गा दान आप नाम सुन रहे हैं वो है दुर्गा मजुमदार, फिल्म इंडस्ट्री के, खासतौर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर, मतलब मैं कह सकता हूँ 50-60% जो सिनेमा देखते हैं आप भोजपुरी का वो उन्हीं का बनाया हुआ, आदि शक्ति एंटरटेनमेंट मेरे बहुत खास मित्र भी हैं, और उनका इंटरव्यू मैंने बहुत पहले किया था, उसको भी जरूर देखिएगा, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका, अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।